हेलो गाइस, माय नेम इज़ जमील अहमद और हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी की एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट की हुई है। तो आज का जो हमारा लेक्चर था वो है नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट के ऊपर, और ये दूसरा लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट में कौन कौन से कंट्रीज आते हैं। फिर हमने देखा था कि नॉर्थ अमेरिका जो कंटिनेंट है इसके जो ईस्ट में है कौन सा ओशन है, ठीक है, यानी अटलांटिक ओशन है। इसके वेस्ट में कौन सा ओशन है, पैसिफिक ओशन है। अच्छा, ये मेक्सिको, ये यूएस कंट्री के नीचे कौन सा गल्फ है, गल्फ ऑफ मेक्सिको है, और ये फर्स्ट लार्जेस्ट गल्फ ऑफ द वर्ल्ड है, ठीक है। फिर हमने एक और गल्फ देखा था, गल्फ ऑफ अलास्का, ठीक है, ये थर्ड लार्जेस्ट गल्फ ऑफ द वर्ल्ड है। और जो सेकंड लार्जेस्ट गल्फ ऑफ द वर्ल्ड है वो है गल्फ ऑफ ग्यूनिया, GUNEA, ग्यूनिया, ठीक है। फिर हमने जो है इन कंट्रीज़ में जो है ना डिफरेंट इनके देखे थे कि इनके कैपिटल्स क्या हैं। ग्रीनलैंड हो गया, कनाडा हो गया, यूएसए है, ठीक है, मेक्सिको है, इनके कैपिटल्स देखे हमने। क्यूबा का कैपिटल देखा, इसी तरह हमने जमैका का देखा है, ठीक है। अच्छा, फिर हमने जो है इसमें इम्पॉर्टेंट जो है चीज़, हाँ, इसमें हमने फिर करेंसी देखी, कनाडा की करेंसी डॉलर है, ठीक है, यूएसए की करेंसी भी डॉलर है, जमैका की करेंसी भी डॉलर है। अच्छा, जो क्यूबा और मेक्सिको है इनकी करेंसी क्या है, पीजो है, ये हमने लास्ट लेक्चर में कवर किए हैं, ठीक है। और ग्रीनलैंड की करेंसी क्या है जी, क्रोन है, ठीक है। इसके अलावा हमने जो है एक माउंटेन रेंज देखी है, ठीक है, रॉकी माउंटेन रेंज देखी थी, और इसकी जो लेंथ है 4800 किलोमीटर है, और ये सेकेंड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड है। फर्स्ट लॉन्गेस्ट जो है वो एंडीज माउंटेन रेंज है, वो हम पढ़ेंगे साउथ अमेरिका कंटिनेंट में, ठीक है। तो दूसरा लेक्चर में हम शुरू करते हैं कुछ बेसिक फैक्ट्स से हवाले से, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका के, नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट, नॉर्थ नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट के हवाले से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है दो कंटिनेंट्स ऐसे हैं जिनमें कोई भी लैंड लॉक कंट्री नहीं है, ठीक है। उनमें से एक जो है आपके पास वो है नॉर्थ अमेरिका, और दूसरा जो है वो है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, ये दो कंटिनेंट ऐसे हैं जिनमें कोई भी लैंड लॉक्ड कंट्री नहीं है, ठीक है। सर, दूसरे नंबर के ऊपर जो नॉर्थ अमेरिका है ये बाई एरिया ये थर्ड लार्जेस्ट है बाई एरिया कंटिनेंट्स के हवाले से, और बाई पॉपुलेशन ये फोर्थ लार्जेस्ट कंटिनेंट है, ठीक है, बाई एरिया और बाई पॉपुलेशन। अच्छा, इसके अलावा जो है नॉर्थ अमेरिका में 5 टाइम ज़ोन्स हैं, ठीक है, 5 टाइम ज़ोन्स हैं इसमें, और इसके अलावा जो है इसमें जो बाई एरिया देखें, जो लार्जेस्ट कंट्री है नॉर्थ अमेरिका का, इसमें दो चीज़ें देखें, बाई एरिया जो लार्जेस्ट कंट्री है वो कौन सा है, और बाई एरिया जो स्मॉलेस्ट कंट्री है वो कौन सा है, ठीक है। और इसी तरह आपने बाई पॉपुलेशन भी देख लें इसका, नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट का बाई पॉपुलेशन लार्जेस्ट कौन सा है कंट्री, बाई पॉपुलेशन, और स्मॉलेस्ट कौन सा है नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट का। तो बाई एरिया जो है लार्जेस्ट कंट्री
वो है कनाडा। ठीक है, बाई एरिया जो लार्जेस्ट कंट्री है नॉर्थ अमेरिका का वो है कनाडा। और कनाडा जो है दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है। ठीक है, बाई एरिया फर्स्ट रशिया है, सेकंड कनाडा है। अच्छा, नॉर्थ अमेरिका में जो स्मॉलेस्ट कंट्री है, ठीक है, वो कौन सा है? वो है सेंट किट्स। सेंट किट्स। अच्छा, इसके अलावा बाई पॉपुलेशन जो है लार्जेस्ट कंट्री कौन सा है नॉर्थ अमेरिका का? तो वो है यूएसए बाई पॉपुलेशन। और बाई पॉपुलेशन जो समालेस्ट कंट्री है वो एंटीगुआ बारबाडोस है। एंटीगुआ बारबाडोस। ठीक है, ये बाई पॉपुलेशन समालेस्ट कंट्री है। अच्छा, इसके अलावा जो है यहाँ पे जो टालेस्ट एनिमल है ना नॉर्थ अमेरिका का, वो कौन सा है? टालेस्ट एनिमल बल्कि वर्ल्ड टालेस्ट एनिमल जो है वो कहाँ पे पाया जाता है? नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। और वो कौन सा है? वो है मूज, वर्ल्ड टालेस्ट एनिमल। ठीक है, और वर्ल्ड स्मॉलेस्ट ओल जो है वो भी नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। वर्ल्ड स्मॉलेस्ट ओल। ठीक है, वो भी नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट में है और उसका नाम क्या है? एल्फ। एल्फ। ठीक है, ये कुछ बेसिक फैक्ट्स थे। अच्छा, इसमें जो है नॉर्थ अमेरिका का आप देख लें टोटल इसमें कितने कंट्रीज आते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। नॉर्थ अमेरिका में टोटल कितने कंट्रीज हैं? तो टोटल नॉर्थ अमेरिका में 23 कंट्रीज हैं। ठीक है, 23 कंट्रीज हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा हमने इसका हाईएस्ट और लोवेस्ट पॉइंट वो देख लिया था। हाईएस्ट पॉइंट जो है वो आपकी ये जो माउंटेन रेंज है रॉकी माउंटेन रेंज, इसमें है एमसीकिनले है मिकिनले। और जो लोवेस्ट पॉइंट है या डीपेस्ट पॉइंट है या हार्टेस्ट पॉइंट है वो है डेथ वैली। डेथ वैली कहाँ पे? यूएसए में है और यूएसए की एक स्टेट है कैलिफोर्निया, ये वहाँ पे है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ कनाडा के हवाले से। जी, तो कनाडा का कैपिटल उतावा है, ये हम पहले भी देख चुके हैं। ठीक है, कनाडा का कैपिटल क्या है? उतावा है। इसकी करेंसी क्या है? डॉलर है। ठीक है, कनाडा की करेंसी क्या है? डॉलर है। और इसके अलावा जो है कनाडा को लैंड ऑफ लिलीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लैंड ऑफ लिलीज। लैंड ऑफ लिलीज किसे कहते हैं? कनाडा को कहते हैं। और लैंड ऑफ मैपल लीफ भी किसे कहते हैं? कनाडा को कहते हैं, लैंड ऑफ मैपल लीफ। अच्छा, ये वो क्वेश्चन है जो पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है, पीपीएससी या दूसरे एफपीएससी के पेपर में। ठीक है, लैंड ऑफ मैपल लीफ किसे कहते हैं? कनाडा को कहते हैं। लैंड ऑफ लिलीज किसे कहते हैं? कनाडा को कहते हैं। अच्छा, बाई एरिया जो है कनाडा जो है बाई एरिया जो बाई एरिया जो फर्स्ट कंट्री है ना, फर्स्ट लार्जेस्ट, तो वो तो है रशिया। ठीक है, बाई एरिया। अच्छा, जो सेकेंड लॉन्गेस्ट है लार्जेस्ट वो है कनाडा, बाई एरिया की बात हो रही है। जो
थर्ड है वो है यूएसए, ठीक है। जो फोर्थ है वो है चाइना, बाई एरिया जो दुनिया के बड़े कंट्रीज हैं। और जो फिफ्थ है वो है ब्राज़ील बाई एरिया। पांचवा बड़ा मुल्क जो है वो कौन सा है? ब्राज़ील है, ठीक है, बाई एरिया। अच्छा, इसके अलावा जो है सबसे लंबी कोस्ट लाइन जो है ना वो कनाडा की है, ठीक है। वर्ल्ड लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन जो है, कोस्टल लाइन जो है वो किसकी है? कनाडा की है। वर्ल्ड लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन भी किसकी है? कनाडा की है। और कितनी है ये? 2 लाख किलोमीटर है। कितनी है? 2 लाख किलोमीटर है इसकी कोस्ट लाइन जो है, इतनी लंबी है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है जो बॉर्डर है कनाडा और यूएसए के दरमियान, ठीक है, जो बॉर्डर है कनाडा और यूएसए के दरमियान, उसे कहते हैं 49th पैरेलल लाइन, ठीक है। क्या कहते हैं? 49th पैरेलल लाइन कहते हैं जो बॉर्डर है यूएसए और कनाडा के दरमियान, ठीक है। 49th पैरेलल लाइन, बॉर्डर जो है बिटवीन किन के दरमियान बोला? कनाडा और यूएसए के दरमियान। कनाडा और यूएसए के दरमियान उसे क्या कहते हैं? 49th पैरेलल लाइन कहते हैं। फोर्टी नाइन्थ पैरेलल लाइन कहते हैं। और इसके अलावा जो है ये दुनिया का जो है सबसे लंबा बॉर्डर है, ठीक है। दुनिया के जो खुश्की का जो सबसे लंबा बॉर्डर है, यानी वर्ल्ड लॉन्गेस्ट बॉर्डर जो है वो किन के दरमियान है? कनाडा और यूएसए के दरमियान है। अच्छा, इसकी जो लेंथ है वो कितनी है वो भी देख लें। वो है टेट्राएड, आठ हजार 888 किलोमीटर, ठीक है। वो है टेट्रा लाइन। अच्छा, इसके अलावा जो है आपने एक और चीज़ याद रखनी है, कनाडा के दरमियान जो बॉर्डर लाइन है उसे हम क्या कहते हैं? 49th, कनाडा और यूएसए के दरमियान उसे क्या कहते हैं? 49th पैरेलल लाइन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और है जिसे कहते हैं 37th पैरेलल लाइन, ठीक है। ये स्पेस हमने इसी वजह से छोड़ी थी, 37th पैरेलल लाइन। ये किसके दरमियान बॉर्डर है? ये बॉर्डर है जनाब नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के दरमियान, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के दरमियान ये बॉर्डर है, ठीक है। इसी तरह एक और है 34th पैरेलल लाइन, ठीक है। 34th पैरेलल लाइन ये किसके दरमियान है? पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान है। ये रैन ऑफ कैच वाली साइड के ऊपर आता है, साउथ की तरफ आता है सिंध वाली साइड पे, ठीक है। इसी तरह एक और है 17th पैरेलल लाइन, ये बॉर्डर है किसके दरमियान भला? ये नॉर्थ और साउथ वियतनाम के दरमियान, नॉर्थ एंड साउथ वियतनाम के दरमियान जो बॉर्डर है, जो बॉर्डर लाइन है उसे क्या कहते हैं?
पैरेलल लाइन कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं, ये आपने याद रखना है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा जो है एक है नियाग्रा वाटरफॉल। ठीक है, नियाग्रा वाटरफॉल ये किन के किस किस के दरमियान है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नियाग्रा वाटरफॉल, नियाग्रा वाटरफॉल ठीक है, तो ये किन किन के दरमियान है, ये कनाडा और यूएसए के दरमियान है। ठीक है, किसके दरमियान है भला, कनाडा और यूएसए के दरमियान है नियाग्रा वाटरफॉल। आप इसे मैप से भी देख सकते हैं, ये हमने ड्रा भी किया था। ये है नियाग्रा वाटरफॉल और ये जो है इसका बेसिक मैप है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा जो है पांच जो हैं लेक्स आती हैं इसके कनाडा और यूएसए के बॉर्डर के ऊपर, फ्रेश वाटर लेक्स। ठीक है, कौन कौन सी हैं, सुपीरियर है, मिकीगान है, होरून है, एरी है और अंतारियो है। ठीक है, सुपीरियर जो है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। ठीक है, अच्छा अब आपने इनका नाम किस तरह याद रखना है, ठीक है, कि ये कौन कौन सी लेक जो है इनके बॉर्डर के ऊपर आ रही हैं, फ्रेश वाटर लेक। तो आपने एक जो है सेंटेंस ही याद रखना है, वो क्या है वो ज़रा बताते हैं। तो आपने एक सेंटेंस याद रखना है, सेंटेंस है सुपरमैन हेल्प्स एवरीवन, सुपरमैन हेल्प्स एवरीवन। ठीक है, तो SUP इससे क्या हो गया, सुपीरियर लेक। ठीक है, सुपीरियर लेक, अच्छा M से कौन सी हो गई, मिकीगान लेक, H से आपकी होरून लेक, E से आपकी एरी लेक और O से अंतारियो लेक। ठीक है, ये ज़रा देख लें, सुपीरियर लेक, मिकीगॉन, होरून HURON, होरून, एरी और अंतारियो, ये जो है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक हैं। ठीक है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक जो है इसमें से, इनमें से लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी है, सुपीरियर है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि लार्जेस्ट सेल्टियस्ट लेक कौन सी है, तो वो आपके पास है कैस्पियन सी। सुपीरियर जो है ये क्या है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। ठीक है, सुपीरियर लेक लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। ठीक है, और जो लार्जेस्ट साल्टीएस्ट लेक जो है वो कौन सी है, लार्जेस्ट साल्टीएस्ट लेक, लार्जेस्ट साल्टीएस्ट लेक जो है वो है आपके पास कैस्पियन सी। ठीक है, यानी वर्ल्ड लार्जेस्ट कैस्पियन सी है। ठीक है, कैस्पियन सी। अच्छा तो इसके अलावा और क्या क्वेश्चन बन सकता है कनाडा से, अच्छा इसका जो है ना आपने करंट अफेयर के हवाले से भी देखना है, इसका करंट PM कौन है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन जो है वो पूछ लेते होते हैं, ये आपने लाजमी देखना है। ठीक है, कनाडा के हवाले से, अच्छा दो लेक्स हैं वो ज़रा बना लें, लेक्स कह रहा हूँ रिवर। ठीक है, वो कनाडा में हैं और बड़े इंपॉर्टेंट हैं, बाद को आते इनका पूछ लेते हैं। एक है लेक ही है, एक ग्रेट बियर लेक और एक है आपके पास ग्रेट स्लेव लेक, यहाँ पे करके बना लें, एक यहाँ पे करके बना लें। ठीक है, यह है ग्रेट बेयर लेक, ग्रेट बेयर लेक
और ये है आपके पास ग्रेट स्लेव लेक। ठीक है, ये जो दो लेक्स हैं ये भी इम्पॉर्टेंट हैं, पूछ लेते हैं। ग्रेट बियर लेक कहाँ पे लोकेटेड है? कनाडा में। और ग्रेट स्लेव लेक ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये भी कनाडा में है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट जो है हम देखते हैं ग्रीनलैंड को। ठीक है, नेक्स्ट जो कंट्री है हम जिसे देख रहे हैं वो कौन सा है? ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड, अच्छा इसका कैपिटल हमने देखा है, कैपिटल इसका नूक है, नूक NWK, नूक या कलालीत नूनाथ, KALALLIT, कलालीत नूनाथ, ये इसके कैपिटल हैं। इसकी करेंसी हमने देखी है कोरून है, दैनिश कुरून। ठीक है, अच्छा इसके अलावा जो है ये आपने याद रखना है कि ये दुनिया का जो है फर्स्ट लार्जेस्ट आइलैंड है। ग्रीनलैंड जो है फर्स्ट लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड, फर्स्ट लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है? ग्रीनलैंड है। ये देखें ये यहाँ पे, ठीक है ग्रीनलैंड, ये फर्स्ट लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड है ग्रीनलैंड। ठीक है, अच्छा ये लोकेटेड कहाँ पे है? ये है आपके पास एटलांटिक ओशन में, हमने देखा है, आप इसे मैप से भी देख सकते हैं, ये एटलांटिक ओशन में है। और इसके ऊपर जो कब्जा है वो किसका है? ठीक है, जो कंट्रोल है वो किसका है? वो डेनमार्क का है। ठीक है, किसका है? डेनमार्क का है। और डेनमार्क जो है ये कहाँ पे आता है भला? ये यूरोप में आता है। ठीक है, डेनमार्क कहाँ पे आता है? यूरोप में आता है। ठीक है, डेनमार्क का इसके ऊपर कब्जा है, कंट्रोल है। ठीक है, कंट्रोल करता है ग्रीनलैंड को कौन? डेनमार्क। ठीक है, अच्छा फर्स्ट लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड कौन सा? ग्रीनलैंड है। इसी तरह आप सेकंड भी देख लें, जो सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड है। ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड है, सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड है वो कौन सा है? वो है पापुआ न्यू गिनिया। पापुआ न्यू गिनिया, पापुआ न्यू गिनिया। इसी तरह जो थर्ड लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड है वो कौन सा है? वो है ब्रुनाई। कौन सा है? ब्रुनाई। ठीक है, और जो फोर्थ लार्जेस्ट है वो कौन सा है? फोर्थ लार्जेस्ट आइलैंड जो है वो है मेडागास्कर। ठीक है, ये कहाँ पे आता है भला? मेडागास्कर ये अफ्रीका में आता है, मेडागास्कर। और बोरनोई ये कहाँ पे आता है? ये एशिया में है बोरनोई। मेडागास्कर कहाँ पे है? ये अफ्रीका में आता है। ये फोर्थ लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड है। फर्स्ट लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड ग्रीनलैंड है। सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड पापुआ न्यू गिनिया। थर्ड लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड ब्रुनाई है। और फोर्थ कौन सा है? मेडागास्कर है। ठीक है, ये आपने कुछ जो है आइलैंड के हवाले से इस तरह याद रख लेनी है चीज़ें। अच्छा इसके अलावा जो है नेक्स्ट हम देखते हैं गल्फ़ के हवाले से। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं गल्फ़ के हवाले से। GULF गल्फ, तो ये मैप में देखें यहाँ पे है, ये गल्फ ऑफ मेक्सिको है, ये गल्फ ऑफ अलास्का है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्या है? वो ये पूछा जाता है कि फर्स्ट लार्जेस्ट गल्फ ऑफ द वर्ल्ड तो वो कौन सी है? तो
तो फर्स्ट लार्जेस्ट गल्फ ऑफ द वर्ल्ड कौन सी है? वो है गल्फ ऑफ मेक्सिको। ठीक है, फर्स्ट कौन सी है? गल्फ ऑफ मेक्सिको। फर्स्ट लार्जेस्ट गल्फ कौन सी है? गल्फ ऑफ मेक्सिको। अच्छा, जो सेकंड लार्जेस्ट है वो भी हमने देखनी है, और जो थर्ड लार्जेस्ट है वो भी हमने देखनी है। जो सेकंड लार्जेस्ट है वो है गल्फ ऑफ गिनिया। ठीक है, वो क्या है आपके पास? गल्फ ऑफ गिनिया, ये सेकंड लार्जेस्ट गल्फ ऑफ द वर्ल्ड है। और जो थर्ड लार्जेस्ट गल्फ है वो कौन सी है? गल्फ ऑफ अलास्का। गल्फ ऑफ अलास्का, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो आपने एक और चीज़ देखनी है बे के बारे में, ये है आपके पास हुडसन बे। ठीक है, आप इसे मैप से भी देख सकते हैं, ये है हुडसन बे। ठीक है, हुडसन बे। तो इसके हवाले से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो कुछ इस तरह है कि हुडसन बे जो है ये दुनिया की जो है हुडसन बे जो है हुडसन बे जो है ये दुनिया की दूसरी बड़ी बे है। ठीक है, दुनिया की दूसरी बड़ी बे है सेकंड, और जो फर्स्ट है वो कौन सी है? जो फर्स्ट है वो आपके पास है बे ऑफ बंगाल। ठीक है, बे ऑफ बंगाल जो है वो फर्स्ट बे ऑफ द वर्ल्ड है, फर्स्ट लार्जेस्ट बे ऑफ द वर्ल्ड है। ठीक है, हुडसन बे जो है ये सेकंड है, दुनिया की दूसरी बड़ी बे है। अच्छा, हुडसन बे जो है ये नॉर्थ अमेरिका में है। ठीक है, और ये कहाँ पे आती है भला? कनाडा में, कनाडा में है और नॉर्थ अमेरिका में है। ठीक है, और कौन से ओशन में है? तो ये अटलांटिक ओशन में है। ठीक है, अटलांटिक ओशन में है। अब ये सारी चीज़ें जो आप ये मैप से देख सकते हैं, ठीक है, ये हुडसन बे है, यहाँ पे ये देखें, ये सारा अटलांटिक ओशन है, ये कनाडा का पार्ट है, तो ये हुडसन बे कहाँ आती है? कनाडा में आती है। ठीक है, और अटलांटिक ओशन में है। ठीक है, और इसके अलावा जो है कंटिनेंट की बात करें तो नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट में है। ठीक है, लेकिन जो फर्स्ट लार्जेस्ट बे है ना, तो वो है बे ऑफ बंगाल। ठीक है, बे ऑफ बंगाल वो कहाँ पे है? वो एशिया में आती है, बे ऑफ बंगाल। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं सी के बारे में। ठीक है, यहाँ पे ये देखें, ये हमने बनाया हुआ है कैरिबियन सी। ठीक है, कैरिबियन सी, तो कैरिबियन सी जो है ये दुनिया का दूसरा बड़ा सी है। ठीक है, कैरिबियन सी जो है ये दुनिया का दूसरा बड़ा सी है, लिख लेते हैं ज़रा, कैरिबियन सी। कैरिबियन सी जो है ये क्या है? दुनिया का दूसरा बड़ा समंदर है। ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट सी है, सेकंड लार्जेस्ट सी ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, कैरिबियन सी। तो क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सा है? फर्स्ट लार्जेस्ट सी ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है? फर्स्ट लार्जेस्ट सी ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है? तो वो है आपके पास साउथ चाइना सी। ठीक है, आपने याद रखना है जो फर्स्ट लार्जेस्ट सी ऑफ द वर्ल्ड है वो है साउथ चाइना सी, जो सेकंड लार्जेस्ट सी ऑफ द वर्ल्ड है वो कैरेबियन सी है। अच्छा, कैरेबियन सी कहाँ पे है? ये जो है नॉर्थ अमेरिका में है। ठीक है, कौन से ये ओशन में आता है कैरेबियन सी? ये आता है आपके पास अटलांटिक ओशन में। ठीक है, ये चीज़ें आपने याद रखनी है, और अगर नक्शे को अच्छी तरह से देख लें, मैप को, तो आपको ये चीज़ें अच्छी तरह से याद रह जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं एक और कंट्री को, क्यूबा को देखते हैं। ठीक है, क्यूबा, तो
क्यूबा को देखते हैं हम। अच्छा, क्यूबा जो है ना, दुनिया में सबसे ज़्यादा इनकलाब जो है ना, रेवोल्यूशन जो है ना, वो कहाँ पे आई हैं? क्यूबा में आई हैं। सबसे ज़्यादा रेवोल्यूशन जो हैं वो कहाँ पे आई हैं? क्यूबा में आई हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा रेवोल्यूशन। अच्छा, इसके अलावा हमने जो है क्यूबा का कैपिटल देखा था, ठीक है, कैपिटल इसका हवाना है, हवाना है। अच्छा, ये कहाँ पे है? कैरिबियन सी में है। ये कहाँ पे लोकेटेड है? कैरिबियन सी में है क्यूबा। अच्छा, इसके अलावा हमने क्यूबा की करेंसी देखी। करेंसी क्या है इसकी? पीजो है। करेंसी इसकी क्या है? पीजो है। अच्छा, इसके अलावा जो है एक और चीज़ है जो आपने याद रखनी है, वो ये है कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ था। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ था जी, हम देख रहे थे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। तो ये कब हुआ था? ये हुआ था 1962 में, ठीक है। जो क्यूबन गवर्नमेंट है उनकी इंक्लिनेशन है किसकी तरफ बला? यूएसएसआर की तरफ थी, ठीक है, यानी रशिया की तरफ है। और रशिया ने जो है वहाँ पे जाके, क्यूबा में जाके वहाँ पे हथियार लगा दिए थे, न्यूक्लियर हथियार बम लगा दिए थे, ठीक है। तो ये हुआ था क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, ठीक है। तो ये कब हुआ था? 1962 में। इसकी अक्सर डेट पूछी जाती है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के हवाले से। अच्छा, इसके अलावा जो है एक बे है क्यूबा में ही है, गुआंतानामो बे जिसे कहते हैं, ठीक है, मशहूर सी है गुआंतानामो बे। गुआंतानामो बे, ठीक है, गुआंतानामो बे, ये क्यूबा में है। और इसे लीज पर लिया हुआ है किसने भला? यूएसए ने लिया हुआ है इसे लीज पे। ये जो 9/11 का इंसिडेंट हुआ था, तो यूएसए ने जो है अपने कैदियों को जो है वो गुआंतानामो बे में रखा था, ठीक है, उनके ऊपर जुल्म वगैरह जो भी करते थे, ठीक है। तो इनका असल मकसद जो ये था कि इनको अपनी लैंड से दूर रखा जाए, ताकि जो वहाँ की कोर्ट्स हैं, ठीक है, उनकी ज्यूरिस्डिक्शन में ये चीज़ ना आए, ताकि कोर्ट्स जो है वो इंटरफेयर ना कर सकें, ठीक है। तो गुआंतानामो बे ये यूएस ने जो है वो लीज पर ली हुई है, किससे भला? क्यूबा से ली हुई है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा क्यूबा के लिहाज से आपने एक और चीज़ याद रखनी है, क्यूबा को जो है शुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड किसको कहते हैं? क्यूबा को कहते हैं शुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, शुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड किसे कहते हैं? क्यूबा को कहते हैं। ये आपने चीज़ याद रखनी है, ठीक है। क्यूबा के हवाले से हमने देखा क्यूबा में सबसे ज़्यादा रेवोल्यूशन आई हैं। अच्छा, क्यूबा का जो कैपिटल है वो हवाना है। अच्छा, क्यूबा कहाँ पे है? कैरिबियन सी में है। अच्छा, इसके अलावा ओशन की बात की जाए तो एटलांटिक ओशन में है। क्यूबा की करेंसी हमने देखी पीजो है। अच्छा, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ थे कब भला? 1962 में हुआ था। अच्छा, गुआंतानामो बे ये क्यूबा की है, और ये लीज पर ली हुई है किसने? यूएसए ने ली हुई है, ठीक है। और क्यूबा को जो है शुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं, ठीक है, शुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड किसे कहते हैं? क्यूबा को कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है एक और चीज़ देखनी है हमने, जमैका का, ठीक है, जमैका का कैपिटल हमने देखा हुआ है, ये भी कैरिबियन सी में है जमैका। जमैका, ठीक है, जमैका की करेंसी क्या है? डॉलर है, ठीक है, जमैका की करेंसी क्या है? डॉलर है। अच्छा, जमैका का कैपिटल क्या है? किंगस्टन है। अच्छा, जमैका जो है एक मशहूर है किस वजह से? कि इसमें जो है ना फास्टेस्ट स्प्रिंटर ऑफ द वर्ल्ड है, ठीक है, जो फास्टेस्ट स्प्रिंटर ऑफ द वर्ल्ड है उसका ताल्लुक किससे है? जमैका से है। उसका क्या नाम है? यूसेन बोल्ट। यूसेन बोल्ट, यूसेन बोल्ट, ये क्या है? फास्टेस्ट स्प्रिंटर ऑफ द वर्ल्ड है, फास्टेस्ट स्प्रिंटर ऑफ द वर्ल्ड,
ठीक है। फास्टेस्ट स्प्रिंटर ऑफ द वर्ल्ड है यूसेन बोल्ट, और इसने जो है 100 मीटर की रेस जो है 100 मीटर की रेस इसने कवर की थी 9.58 सेकेंड्स में। ठीक है, 100 मीटर की जो रेस है इसने कवर की 9.58 सेकेंड्स में। यूसेन बोल्ट फास्टेस्ट स्प्रिंटर ऑफ द वर्ल्ड है, और इसका ताल्लुक किससे है? जमैका से है। ठीक है, जमैका कहाँ पे है? ये कैरिबियन सी में है। जमैका कहाँ पे है? कैरिबियन सी में है, या एटलांटिक ओशन भी कह सकते हैं। ठीक है, जमैका कहाँ पे है? कैरिबियन सी में है, या इसे एटलांटिक ओशन भी कह सकते हैं, एटलांटिक ओशन में है। ठीक है,